पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की, ठीक है कि हम उनसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के जिन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते और लोगों में विश्व रहे तोड़ने का काम कर रहे, तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है? अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरवा कपड़ा डाले हैं, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे जी 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजों की पॉलिसी पर फूट डालो और राज करो की नीति से समाज को कमजोर करने का काम किया। साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि भारत को एकजुट रखने में साधु संतों का महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है।